अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने बहुत ज़बरदस्त गेस्ट को अपने पेज पर इनवाइट किया है। सर का बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ टीचर, और बहुत ज़्यादा सर का ताल्लुक रहा है इंसान की नफ्सियात के साथ। और सर बड़े ज़बरदस्त और नए नए टूल्स हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं दैट हाउ वी कैन हैव अ माइंडफुल लाइफ। तो मैं इंट्रोड्यूस बुलाऊँगा सर फारूक पारिक को। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई उमर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैंने कहा कि आज हम लोग इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं और आप जैसे हजरात जो कि फिज़िकल वर्ल्ड में काफ़ी मसरूफ़ होते हैं तो उनके टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और उनको अपने पेज की ऑडियंस से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सर मैं चाहूँगा पहले तो आप थोड़ा सा हमें बताएं जो आपने सब जो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है और जो खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, तो चूँकि बहुत कम टीचर्स सेलेक्ट करते हैं इन सब्जेक्ट को, तो व्हाट वाज द रीज़न और क्या आपका इंटरेस्ट था या इट इज़ बाय चांस? जी सर। टीचिंग का और ट्रेनिंग का मेरा तो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सही। और टीचिंग में जब मैं आया तो शुरू में मैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में था मेरा इंटरेस्ट, बट आई वाज इन्वॉल्वड इन फैमिली बिजनेस, तो मैं टीचिंग करता था शौक या नॉट मनी। फिर बाद में मुझे अंदाजा हुआ टीचिंग इज माय थिंग, और फिर चूंकि ह्यूमन बिहेवियर में हमेशा से इंटरेस्ट था और मेरी काफ़ी स्टडी थी सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल टॉपिक्स में, और फिर जब किसी ने ऑफर की तो मैंने उसको कंसीडर किया। और सोशियोलॉजी पढ़ाते हुए अब 16 साल हो गए और साइकोलॉजी पढ़ाते हुए 11 साल हो गए ए लेवल्स में मुख्तलिफ कॉलेजेस में एज अ विजिटिंग फैकल्टी। तो फिर उस इंटरेस्ट से जो है थेरेपी की तरफ इंटरेस्ट डेवलप। सही। ठीक सर। अच्छा मैं एक सवाल टीचिंग का और करता हूँ फिर देन वी विल कम ऑन टू दैट थेरेपी वर्क। जैसे साइकोलॉजी तो फिर भी एक थोड़ा कॉमन होता जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी तो एक तो बहुत सेलेक्टेड बच्चे ये चूज करते हैं और लोग इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं कर पा रहे। हालांकि मैं भी कोई ज़्यादा सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसके बारे में सुना कि दैट कनेक्ट्स टू एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड टू द सोसाइटी, अब चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कोई भी काम हो, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी। सोशियोलॉजी और सारी सोशल साइंसेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उसको हमारे यहाँ डाउन प्ले किया जाता है स्पेशली कॉलेज सब्जेक्ट सिलेक्शन के तौर पे। सही। अब जो खास तौर पे मैं कहूँगा, जब आपने पूछ ही लिया है तो थोड़ा मैं मामूली सी डिटेल में जाऊँगा। जी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना ऑलमोस्ट आ चुका है। सही। और सर्जरीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होंगी, तो सर्जन्स का काम भी वो हो जाएगा। सही। अकाउंटिंग भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी और बहुत सारी चीज़ें। जो इंसान का काम रह जाएगा वो आर्ट, लिटरेचर, क्रिएटिविटी, थेरेपी और कुछ हद तक टीचिंग। तो सोशल साइंसेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दूसरा, सोसाइटी को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, वो हम ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी से रिलेटेड। तो गूगल में, फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में बड़े बड़े लेवल के मैनेजरियल लेवल के ऐसे लोग हैं कि जिनकी डिग्री जो है फिलॉसफी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में है, लेकिन उन्होंने उनको पोजीशन दी हुई है बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिएक्ट, बिहेव एंड हाउ दे इंटरप्रेट डिफरेंट थिंग्स। सही। तो सोशियोलॉजी को हमेशा कम अहमियत दी जाती है और ख़ासतौर पे ओए लेवल्स में तो उसको बहुत ईजी समझा जाता है, लेकिन दिस इज़ हाईली फिलोसफिकल, बड़ा मज़े का है मगर थोड़ा उसका लेवल हाई है। सही। ठीक सर। तो अब हम ज़रा थेरेपी के ऊपर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी है भी बहुत नई, या अगर है भी तो बहुत सेलेक्टेड लोग इस तरफ जाते हैं, और एक तो ये थेरेपी का लफ्ज़ सुनते ही या साइकोलॉजी का लफ्ज़ सुनते ही लोग समझते हैं हम जाएंगे तो लोग समझेंगे कहीं हमारे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या हम पागल हैं। तो मैं पहले तो इस पर चाहूँगा आप थोड़ी सी बात करें कि क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कुछ साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं या जो कि मेडिकली प्रोनाउंस्ड जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, या एक आम आदमी भी इनसे फायदा उठा सकता है? यस एंड नो बोथ। सही। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मिसाल के तौर पे जब हमें कोई फिजिकल एलिमेंट्स होती हैं, जी तो जी हम कहाँ जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सही।
और सबको बताते हैं तभी मुझे तो आज डॉक्टर के पास जाना है, आज मुझे ईएनटी के पास जाना है, आज मुझे जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है चाहे वो। तो जहां हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है वहां हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और वहां हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स जब होते हैं जहां इंसान होता है वहां साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज आते हैं हर एक को, एवरीवन, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। और बाज़ औक़ात वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, खासतौर पर हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ पेरेंटिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो बहुत सारे लोगों की huge majority of Karachi ites, they need a therapist. सही। 80-90% लोग, और इसका मतलब ये नहीं कि you are crazy या पागल हैं या कोई ऐसी चीज है जो कि छुपाने की या शर्माने की है। जहाँ human emotions और feelings हैं, जहाँ misinterpretations हैं, आप एक चीज को एक तरह से interpret करते हैं, मैं एक चीज को दूसरी तरह से, तो उसमें बहुत सारे issues हो जाते हैं। हमारी society में बहुत सारे तजादात हैं, class conflicts हैं, सेक्टेरियन इश्यूज हैं, दूसरे मजहबी इंतहा पसंदी है, मिस इंटरप्रिटेशन है, मजहबी लोगों को भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है और जो थोड़े डिफरेंट व्यूज होल्ड करते हैं उनको भी मिस, तो हर एक तरफ आपाधापी, नफसा नफसी, और फिर जो रेट रेस पूरी दुनिया में है, हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, मटीरियलिज्म के जो असरात हैं, तो उससे ये जो इश्यूज होते हैं इमोशनल वो बहुत नेचुरल हैं, एक्चुअली वो बहुत नॉर्मल हैं। और जब हम फिजिकल एलिमेंट्स के लिए मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए जाहिर है हम साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास ही जाएंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आ रही है हमारे यहाँ आहिस्ता और लोग इस तरफ जा रहे हैं। सही, तो मैं कह रहा हूँ कि सर अब हम जरा थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि अब जैसे पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारी चीजें न्यू है, जैसे व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री को मैंने सीखना शुरू किया, तो अब मुझे नजर आए कि पाकिस्तान में इफ यू आर अ ट्रेनर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि ट्रेनर मतलब वो कुछ भी करवा सकता है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं था, वहां पे ऐसा था कि एक बंदा अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स का ट्रेनर है तो ही इज डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। जी, अब अगर थेरेपी की हम बात करते हैं तो एक तो अभी पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है, क्या इफ 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 अ पर्सन इज सेड टू बी अ थेरेपिस्ट तो क्या वो हर किस्म की थेरेपी करता है या उसको करनी चाहिए, या वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह हमें भी थेरेपी के अंदर फिर स्पेसिफाई होना चाहिए, ये एक सवाल था। देखिए, हमारी सोसाइटी कुछ डिफरेंट है, ज़ाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं, वहां जिस तरह से चीजें होती हैं बाज़ औक़ात यहां नहीं हो सकती। सही। एक राइटर एक बुक लिखता है और वो अगर वो अच्छी चल जाती है तो वो पूरी जिंदगी बैठ के खा सकता है, तो फिर वो बैठ के आराम से सोचता रहता है, क्रिएटिविटी के समंदर में ओताजन होता है वो, और बहुत कुछ क्रिएटिव काम करता है। हमारे यहाँ किताब लिख के तो शायद वो एक साल भी गुजारा ना कर सके, पायलट हो जाएगी वो। जी ना, इसलिए उसको कमर्शियल है हर चीज आजकल, तो जहाँ पैसे, लोग कहते हैं कि भाई क्रिकेटर्स को टेनिस प्लेयर्स को क्यों इतने पैसे देते हैं, जिस चीज की डिमांड है मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिसाइड करती हैं, तो जब मार्केट फोर्सेस पब्लिक की डिमांड है तो उनको पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह जो है हमारे यहाँ जो है स्पेशलाइजेशन जरा मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, लोग हैं और होना चाहिए। तो विद इन थेरेपी ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड आई ऑलवेज ट्राई एंड टेक न्यू चैलेंजेस एंड कीप इम्प्रूविंग एंड try and explore every aspect of it. So, जब मैं psychotherapy की training ली और उसमें जब मैंने जितना deep जाता गया तो मैं और areas को explore किया और मैंने सोचा कि जरूर हर एक को थोड़ा थोड़ा use किया जाए, इसलिए कि हर client भी different होता है, तो हर एक के लिए एक एक आप चीज use नहीं कर सकते बाज़ औक़ात, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा उसमें variety हो, उसमें different aspects। क्योंकि आपसे मेरी जितनी भी बातचीत हुई माजी में भी, तो मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो नज़र आई, मेरे ख्याल पहले वक्कास भाई का क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कह रहे हैं कि सर कोचिंग और काउंसलिंग का डिफरेंस अगर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। काउंसलिंग डिफरेंट है कोचिंग, तो एट हायर लेवल पे अब लाइफ कोचिंग हो सकती है, ये जैसे आई रिगार्ड माई सेल्फ एज अ वेलनेस कोच, सो आई कोच पीपल
I guide them as to how to go about things, and I try and make them independent. कि वो independently फिर अपनी राह पे गामजन हो जाएं, उनको गाइड कर दिया जाए, थोड़ा बता दिया जाए, थोड़ा उनका हाथ पकड़ के हाईवे पे ला दें और फिर वो खुद चलते हैं. काउंसलिंग इज डिफरेंट. काउंसलिंग तो बहुत डिटेल होती है, अगर उसको साइकोथेरेपी के हवाले से और इस रास्ते से देखें तो काउंसलिंग में तो फिर बहुत ज़्यादा मशवरा, एडवाइस, डिटेल्ड, और उसमें एक लॉन्ग टर्म सेशंस चलते हैं आपके. तो काउंसलिंग फिर डिफरेंट एरियाज में भी, ज़ाहिर है एजुकेशनल काउंसलिंग होती है तो फिर उसमें जो है उस हिसाब से जो है. सही. अच्छा मैं आता हूँ सर अपने सवाल की तरफ. मेरा सवाल ये था कि जैसे आपसे जितना मेरा इंटरेक्शन रहा तो मैंने देखा कि आप एक एक तो लर्निंग का पेस आपका कम नहीं हुआ. एवरी टाइम यू 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 बीन टू, यानी थेरेपी के अंदर भी एक नई चीज़ जो है ना वो आप सीख रहे हो. जैसे रिसेंटली हमने देखा आपने कुछ वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए, एंड दैट वाज हॉर्टिकल्चर थेरेपी. ठीक है ना, अब वो हमने कभी सुनाई भी था, हम तो समझते थे कि थेरेपिस्ट में बस वही होता होगा, हम जाके बैठ जाएंगे और वो थेरेपिस्ट हमसे कॉन्वर्सेशन करेगा. लेकिन अब इसमें प्लांट्स का क्या रब्त है, या जैसे अगेन आप जैसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो फील्ड पे, उन्हें आपको तो पता है कि इसके कितने सब डिविजन्स हैं और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, और वो चीज़ हमारे लिए पाकिस्तान में इट वाज लाइक द फर्स्ट वन जो कि ये कर रहे थे, और हमने देखा ये सर ये नई थेरेपी शायद सर ने इंट्रोड्यूस करवाई. सो वॉट इज़ दैट, और ये प्लांट जो आपके बराबर में रखा हुआ है ये. तो बहुत सारे सवाल आ गए एक साथ. जी जी, एक एक करके देखिए. तो ये कि एक तो साइकोथेरेपी है, जिस तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं इस तरह साइकोथेरेपिस्ट, जिसको आप टॉक थेरेपी कह सकते हैं, आपसे बात करते हैं, सवाल करते हैं, फिर मालूम करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या इशू है, आपके चाइल्डहुड के बारे में मालूम करते हैं. अक्सर प्रॉब्लम्स की रूट्स चाइल्डहुड में ही होती है, बैड पेरेंटिंग में होती है, वहाँ से चीज़ें चलती हैं, और वो जो वायरस होता है वो टीनेज में या ट्वेंटीज में या थर्टीज में बाहर निकलता है किसी और शक्ल में. तो साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट का काम होता है कि उसको डिटेक्ट करे और एक सटल इनडायरेक्ट वे में कन्वे करे, रियलाइज करवाए. तो थेरेपी ये होती है कि आप एक्नॉलेज करें, कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक्नॉलेज करें कि भाई इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, और आप उसको एक्सेप्ट करें. जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू आर एट पीस विद दैट, यू आर बेटर ऑफ. तो इसमें कोई मैजिकल इंजेक्शन नहीं होता कि किसी ट्यूमर को निकाल के आपने फेंक दिया. तो अगर तो आपके बचपन में कोई टीचर या आपकी ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई या कोई अथॉरिटी फिगर ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, सही, तो उस वजह से आपके दिल में डर बैठ गया या कोई ऐसी पर्सनैलिटी वीकनेसेस आ गई, तो जब साइकोथेरेपिस्ट मालूम कर लेगा तो एक सटल वे में किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली स्लोली वो कन्वे कर देगा, और उसको कहेगा भाई दिस इज व्हाट इट वाज, नाउ इट इज गॉन, दैट पर्सन इज नॉट देयर, उनको माफ कर दें. और अब आपको गिरा मिल गई कि किस वजह से आपके दिल में लैक ऑफ था या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो आप रियलाइज करके यू फील लाइटर. सही. तो थेरेपी तो ये होती है कि इमोशनल वेल बींग, साइकोलॉजिकल वेल बींग. सही. और पहले तो मैं गया था आर्ट थेरेपी की तरफ. आर्ट की तरफ मेरा रुझान था लेकिन एक साइड पे रह गया था. तो आर्ट थेरेपी मैंने कोर्सेज किए कुछ, और आर्ट थेरेपी में T2F जो है दी सेकंड फ्लोर, वहाँ एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया. सेकंड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ वी कंडक्ट अ वर्कशॉप, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर. फिर चूँकि मेरा प्लांट्स और गार्डनिंग में बहुत पुराना स्कूल के ज़माने से मेरा इंटरेस्ट था, और मेरा गार्डनिंग का एक्सपीरियंस 25-30 साल पे मुहित है, तो दोबारा इस तरफ जब मैं आया तो मुझे पता चला कि हॉर्टिकल्चरल थेरेपी भी कोई चीज़ है. तो हॉर्टिकल्चर इज प्लांट्स कल्चर, थिंग्स अबाउट प्लांट्स, गार्डनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो जब थेरेपी और हॉर्टिकल्चर को मिलाते हैं तो हॉर्टिकल्चरल थेरेपी. सो गेटिंग हेल्पिंग पीपल अटेन इमोशनल वेल बींग थ्रू एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद प्लांट्स इज हॉर्टिकल्चरल थेरेपी. सही. और आलियांस फ्रांसिस जो है, फ्रेंच कल्चरल सेंटर जो है क्लिफ्टन, वहाँ पे हर महीने एक हॉर्टिकल्चरल थेरेपी वर्कशॉप होती है हमारी. सही. ये इसका था. दूसरा, इस प्लांट के बारे में आपने पूछा, तो आप देख रहे हैं कितना नुमाया है, मुझसे ऊंचा जा रहा है जब मैं बैठा हुआ हूँ. दिस इज स्नेक प्लांट. ये मेरा जो थेरेपी का कमरा है, रूम है,
स्टडी इसमें रखा हुआ है, ये इंडोर भी रहता है। और नासा ने जो कुछ प्लांट्स की लिस्ट इशू की थी कि जो एयर प्यूरिफायर है, सही, उसमें ये पौधा शामिल है। तो इसको आप स्नेक प्लांट कह सकते हैं। स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं कि ये इसके पत्ते आप देखिए, ये सांप की तरह, जैसे सांप का फन हो ये। तो इसको मजे की बात ये बताऊं कि इसको प्यार से इसका दूसरा नाम जो है वो है मदर इन लॉज टंग, मदर इन लॉज, मदर इन लॉज टंग, जो कि ये बड़ी लंबी तलवार जैसी है। सही, तो सही। ये एयर प्यूरिफायर है और खूबसूरती भी देता है वो, और आपको सुकून भी देता है। तो ये घरों में, ऑफिस में इस तरह के प्लांट्स जरूर रखने चाहिए। सही। अच्छा सर, आर्ट थेरेपी को अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट करें, ये तो प्लांट की होगी, हॉर्टिकल्चर की, व्हाट इज आर्ट थेरेपी? आर्ट थेरेपी बहुत मजे की चीज है, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल इन पाकिस्तान, इन कराची, क्योंकि गार्डनिंग से हर एक को इंटरेस्ट भी नहीं होता और सही, आर्ट से हर एक फैसिनेट होता है। तो आर्ट थेरेपी के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि आर्ट थेरेपी मींस यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट, व्हिच इज नॉट सो। सही। हम कहते हैं अगर आप पेंसिल से एक लाइन बना सकते हैं, चाहे वो टेढ़ी हो, तो आप आर्ट थेरेपी कर सकते हैं, यानी कि आप आर्ट थेरेपी से फायदा उठा सकते हैं। तो उसमें फिर हम ये कहते हैं कि लोगों को आर्ट करवाते हैं, वी आस्क देम टू ग्रो एनीथिंग दे वांट, और उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, मगर उसका बड़ा मकसद ये होता है कि जिस तरह आप किसी साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, उसका एक हिस्सा, वन चंक ऑफ दैट विच मेक्स यू फील बेटर एंड लाइटर, इज दैट यू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद देम। सही। बहुत दफा हम अपने दोस्तों से, घर वालों से कुछ प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, इसलिए आखिरकार वो जजमेंटल होते हैं। थेरेपिस्ट जो है वो जजमेंटल नहीं होता। थेरेपी की अव्वलीन कंडीशंस में से एक ये है कि यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, UPR, कि आप उसको जज नहीं करेंगे, चाहे वो कातिल है, चाहे वो मुजरिम है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो अपनी बीवी पे वायलेंस करता है, या चाहे वो खातून अपने शोहर पे वायलेंस करती है, आप उनको वैसे जज नहीं करेंगे, तो वो जज नहीं करता। तो जब आप आर्ट बनाते हैं, तो कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी आप अपने ख्यालात को कागज पे मुंतकिल कर देते हैं। सही। और कार्ल यूंग जो था, वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइकोलॉजिस्ट एवर, उसका भी कहना यही था कि आर्ट से बड़ी कोई थेरेपी नहीं है, आपका सब कॉन्शियस उसमें चला जाता है, और बाज़ औक़ात आप खुद उसको एनालाइज कर सकते हैं, बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली आप एनालाइज करते हैं कि ये क्या, और यू फील रिलीव्ड। फिर हम उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवाते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देके कि आप ये चीज जाहिर कीजिए, ये चीज जाहिर कीजिए। तो एक तो आर्ट में भी जो है, आई डोंट ट्राई एंड मिस्टिफाई थिंग्स, आई डोंट ट्राई टू यूज टफ डिफिकल्ट टेक्निकल टर्म्स, जार्गन, कि जिससे ये लगे कि कोई बहुत बड़ी चीज है, या जो बात कर रहा है उसकी नॉलेज इतनी है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। सो आई ट्राई एंड सिंपलीफाई थिंग्स। तो एक तो चीज ये है कि जब हम आर्ट करते हैं, चाहे आप कपड़े सिलाई करें, या चाहे आप एम्ब्रॉयडरी करें, या चाहे आप वुडवर्क करें, तो आर्ट बनाने में भी वही है कि जब आपका एंगेजमेंट होता है एक चीज में कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दिलो जान से, तो यू आर ऑब्लिवियस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप सारी मुसीबतों, बलाओं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अफसोस, दुख, खौफ, तंग करने वाले लोग, सब आपके जहन से महव हो जाते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसका एक एस्पेक्ट ये है कि उससे रिलैक्सेशन होती है, और हम गाइड करते हैं लोगों के आप इंडिपेंडेंटली खुद भी करें। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो अगर बाद में भी वो, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो ड्राइंग बना के मुझे पिक्चर्स भेजते रहते हैं। सही। और उसको फिर हम डिस्कस करते हैं, एंड दे टेल दैट दे फील सो रिलैक्स्ड। सही। अच्छा सर, ये जो अभी करंट पेंडेमिक है और ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, अच्छा इसमें तो मेरे, यानी मुझे भी पर्सनली बहुत दफ़ा, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, या जिंदगी इतनी मसरूफ रहती है मुख्तलिफ चीज़ों में कि नेगेटिव ख्यालात नहीं आते, या थोड़ी देर के लिए आते भी हैं तो हम उसको कुछ मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब तो चूंकि फारिग हैं, लॉकडाउन है, एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं,
तो उसमें अब लोगों को, और अच्छा मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, असल में मेरा काम तो बिजनेस कंसल्टिंग है लेकिन, या बिजनेस कोचिंग है, तो उसमें ह्यूमन एलिमेंट थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है। तो मैंने देखा कि कुछ जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि आम सिचुएशन में भी नेगेटिव सोचते थे, लेकिन चूंकि मसरूफियत इतनी होती थी तो वो एक्सपेंड एग्जैजरेट नहीं होती थी चीज़ें, लेकिन अभी तो चूंकि जैसे ही ये पेंडेमिक आया, अब एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, यानी एक बंदा लेट सपोज ही इज़ अ टीचर और वो दिन में 8-10 क्लासेस पढ़ाने वाला, तो वो मसरूफ इतना रहता था और एग्जॉस्ट इतना हो जाता था कि उसे वो नेगेटिव थॉट्स एग्जैजरेट नहीं होती थी, लेकिन नाउ ही इज़ फ्री। अब वो एग्जैजरेशन और ना सिर्फ ये कि माइंड फ्री है, बल्कि अनदर बिग प्रॉब्लम इज कि पेंडेमिक है, कुछ नहीं पता कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होने वाली है, फ्यूचर क्या है। तो ऐसे में समझेंगे वो 10x मल्टीप्लायर लग गया हर चीज़ पे, नेगेटिविटी पे, किसी भी चीज़ पे। सो अब इस लॉकडाउन के पीरियड में थेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है, और डू वी नीड टू हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट, और हम यानी एक इंसान नॉर्मल है, उसे उसे ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या कुछ एक्टिविटीज़ वो खुद भी कर सकता है, या हमें किसी थेरेपिस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंस इन लॉकडाउन, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डू वी नीड टू हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट, और हम सेल्फ एक्सरसाइजेस भी कुछ कर सकते हैं। जी सर। देखिए, उर्दू में कहावत है, बेकार ना बैठ कुछ ना कुछ किया कर, बेकार ना बैठ कुछ ना कुछ किया कर, नहीं तो कपड़े उधेड़ कर सिया कर। कपड़े इसका उधेड़ कर मतलब सिया ये, कर। आप कपड़े फाड़ दें उसको सिए फिर फाड़ें। तो जैसे कि मैंने कहा, आप आर्ट करते हैं तो आप इंगेज हैं। इंगेज्ड मैं अपनी थेरेपी जो है गार्डनिंग से ज्यादा करता हूँ, सही। और लोगों को होता है, जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता है वो डेवलप कर सकते हैं। जब आप उसमें मुनहमिक हैं किसी भी चीज़ में, आप शायरी लिख रहे हैं या आप जिक्सो पजल बना रहे हैं या आप आर्ट बना रहे हैं या आप पौधे लगा रहे हैं, तो मसरूफियत जो है वो, खैर आप जैसे लोग तो आजकल भी इतने मसरूफ हैं माशाल्लाह, तो आपको हमने बेहतर तो रास्ता ढूंढ लिया, हमने हमने कहा लाइव सेशंस कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। सही तो जिन लोगों का काम बिल्कुल भी इस वक्त नहीं है, चाहे एक तो फिर इकोनॉमिक इश्यूज हैं जाहिर है, जो कि बहुत बड़ी सही परेशानी का बाइस है। तो लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, पेंडेमिक और नो पेंडेमिक, जो हमने कहा कि इंगेजमेंट, एक तो इसमें एक पहलू में ये उजागर कर दूं, आप तो जानते होंगे कि हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो परेशानी है, हमारी जो एंग्जाइटी है, उसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पे है कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। सही। इट्स नॉट हाउ थिंग्स आर, इट्स हाउ वी टेक देम। हाउ वी टेक तो ठीक ठीक है ना, तो इसमें जो ये है कि जी अगर आप फील करते हैं किसी चीज़ को एक तरह से, दूसरा बंदा दूसरी तरह से, तो एक ही चीज़ दूसरों पे दो अलग अंदाज से असरअंदाज होगी। बिकॉज सही विद द सेम स्टिमुलाई टू पीपल आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स। जिसकी एक सिंपल सही मिसाल हम ये ले सकते हैं कि अगर आपको फिश बिल्कुल पसंद नहीं है खाना और मुझे बहुत पसंद सही है, हम आमने सामने सही बैठे हुए हैं और हमारे बीच पे कोई फ्रेशली फ्राइड फिश ले आएगा, तो सही मैं कहूँगा यमी और आप कहेंगे यकी। एक ही चीज़ सही है, हमारे हमें सही वही स्मेल आ रही है, वही चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो। तो इट सही डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी डू दैट। और उसके लिए ठीक है एक, आप तो जानते होंगे, लोकस ऑफ कंट्रोल की सही टर्म की जाती है। तो वेदर योर लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट्स सही वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ब्रीफली हम इस वक्त ये कह सकते हैं ताकि व्यूअर्स उसको क्लियरली इस पॉइंट को समझ सकें। अगर आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, यू आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाय अदर सही पीपल, बाय अदर पीपल्स कमेंट्स, बाय अदर पीपल्स रिएक्शंस, सिचुएशन आउटसाइड, एंड यू आर टोटली हैंड्स अप कि भाई मेरा तो टीचर ही अच्छा नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया, सही या ट्रैफिक इतना ब्लॉक था मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैंने इंटरव्यू ही जॉब के लिए अच्छा नहीं दिया, एंड नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बातें कि भाई सही एक्सटर्नल फैक्टर, पिच अच्छी नहीं थी इसलिए हमारी टीम हार गई, दूसरी सही टीम ने उसी पिच पे बैटिंग की है। तो सही अगर आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, जो कि आसान नहीं है, बाज़ औक़ात हर एक का हट जाता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सही तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो आप
मजबूत होंगे, आप बैरूनी असरात से कम असर पजीर होंगे। सही, इसके लिए मसरूफियत एक बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आप अपना सर्कल ऑफ कंसर्न पहले तो डिटरमिन करें कि आप किन चीजों के बारे में कंसर्न हैं, आपकी परेशानी क्या है, आप उसको लिख लें, तो उससे ही परेशानी कम होगी, क्लियर होगी। फिर हम ये करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप में हम ये करवाते हैं एक्सरसाइज। इसके बाद उस सर्कल ऑफ कंसर्न में अगर 10 आइटम हैं तो आप देखें इसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं कि जिस पे आपका कुछ कंट्रोल है, आप अपने बिहेवियर से, अपने तर्ज अमल से, अपनी कोशिश से, अपनी जबान हिलाने से आप उसमें कमी कर सकते हैं या उसका खात्मा कर सकते हैं, आप उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो जब अक्सर हम वर्कशॉप्स में देखते हैं तो रफली स्पीकिंग 60-66% ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इश्यूज दैट पीपल है उसमें वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं कोशिश। सही। और आपकी 2/3 या इवन 50% प्रॉब्लम्स और एंजाइटीज भी साइड पे रह जाएं, यू फील सो रिलीव, बाकियों पे आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सही। तो एक तो ये है कि आप उसको ये एनालाइज करें कि आपका कंसर्न, जैसे लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमारा कंट्रोल तो नहीं है। मैं अक्सर वर्कशॉप में एग्जांपल देता हूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर की, कि अगर आपके आइटम्स ऑफ कंसर्न में थर्ड वर्ल्ड वॉर है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो क्या होगा, तो ये जो आजकल सूरत हाल है वो उससे मिलती जुलती है, अल्लाह बिल्कुल। सो देन आई से वी कांट डू एनीथिंग अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो रही है या शायद होने लगे, तो फिर हमें उस पर परेशान नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं करूं, अगर मैं कोई प्ले कार्ड उठा के प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हो जाऊं और कन्वे करूं वर्ल्ड लीडर्स को कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करें, तो ये मैं कर सकता हूं, अखबार में लिख सकता हूं, शायरी कर सकता हूं, बाकी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर परेशान होना ला हासिल है। तो एक तो ये लॉजिक अप्लाई करनी चाहिए, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल करना चाहिए। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के लिए एक बेहतरीन तरीका मसरूफियत है जिस पर हमने बात की। तो जब हम मसरूफ रहते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल दी, टीचर्स मसरूफ थे तो उनको कुछ नहीं होश होता था, प्रॉब्लम्स होते थे अपनी जगह पे। अब अगर वो फारिग हैं या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी जॉब करने वाला अगर वो फारिग हैं तो ज़ाहिर तरह तरह के ख्यालात आते हैं। सही। ये एक इशू होता है, उसके लिए जो है आर्ट थेरेपी जो हम कहते हैं, सही, वो हॉर्टिकल्चरल थेरेपी, और इन दोनों के अलावा, ये तो चूंकि मेरे एरियाज हैं तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स फ्रेंकली स्पीकिंग जैसा कि मैंने कहा, आप एम्ब्रॉयडरी करें, आप कहानियाँ लिखें, आप वुड वर्क करें, आप कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम करें कि आपकी तवज्जो उस तरफ मुर्तकिज हो जाए, तो आपको परेशान होने का वक्त नहीं मिलेगा। सही। और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस होगा, so you will feel better. Human beings can only try. तो इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लोग कहते हैं कि आपको स्ट्रेस होता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाज़ों का जब स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन होता है तो मैं कहता हूँ जितने भी लोग होते हैं 25, 50, 100 कि भाई आप अपना हाथ उठाइए अगर आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता। No one raises their hands. Then I raise my hand और दूसरे हाथ से मैं इसको नीचे पकड़ के कर देता हूँ। तो ह्यूमन बींग्स, ज़ाहिर है डॉक्टर को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर वो एहतियात ना करे, डॉक्टर को नज़ला खांसी हो सकता है, डॉक्टर का स्टमक अपसेट हो सकता है, डॉक्टर को खुदा ना खास्ता कैंसर हो सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट आर ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस, उनकी अपनी लाइव्स हैं, तो उनको स्ट्रेस ज़रूर होता है, उनको परेशानी होती है, और उसके लिए फिर वो जो दूसरों को सजेस्ट करते हैं उस पर अमल करते हैं, बट दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ इट, वो एंगजाइटी प्रूफ नहीं हो सकते। तो ये होता है, हमारे साथ भी होता है, और फिर हम वही वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों को सजेस्ट करते हैं, एंड दे डू वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं चाहूंगा कि मैं कुछ एक आध पर्सनल एक्सपीरियंसेस रख के चाहूंगा कि आपसे हमें लाइव एक डेमोंस्ट्रेशन भी मिल जाए। सो एक तो यही वाले सवाल पे था जो भी मैं आपसे कर रहा था कि ठीक है, बहुत लॉजिकल और बहुत सेंसिबल बात है कि मुझे कहीं मसरूफ हो जाना चाहिए या मुझे किसी आर्ट में जो काम मुझे अच्छा लगना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन उमूमन लोग कर नहीं पाते, उस वक्त वो इतने इमोशनल ट्रॉमा में होते हैं, तो वो जो टाइम डिफरेंस उनको चाहिए होता है, लेट सपोज
फॉर एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त हैं, तो ही नीड्स 3 to 4 days और इवन अ वीक। अब वो प्रॉब्लम आज सॉल्व करना है, बट ही विल वो सब सबसे ताल्लुक खत्म कर देंगे, वो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देंगे उस पर्सन को जिससे उनकी बातचीत चल रही, एंड देन ही विल कम बैक आफ्टर 1 वीक। अब तब तक हो सकता है कि बहुत सी सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी हो, तो हाउ वी कैन हेल्प हेल्प हिम कि यार ये एक हफ्ते बाद भी तो तुमने किया, तो व्हाई नॉट तुम इसे आज कर लो। ये तो जरा एक पेचीदा, इसलिए कि बहुत दफा ये होता है कि जब एक एक प्रॉब्लम आई, दोबारा उस तरह की प्रॉब्लम आई, अगर कंसिस्टेंटली कोई बंदा स्ट्रेस से एक्सपोज होता है या उस तरह के प्रॉब्लम से, तो फिर वो उसमें पेचीदगी पैदा हो जाती है, उनका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो जाता है, एंड इट्स इजी सेड देन डन। तो हम कहते हैं भाई मसरूफ हो जाओ, ये कर लो, लेकिन अगर कोई बहुत डिप्रेस है तो उसको तो फोन उठाने का या दरवाजा खोलने का भी दिल नहीं चाहेगा। कोई कहेगा कि भाई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का फ्री टिकट है, आ जाओ VIP एनक्लोजर में, तो वो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं आ रहा। तो जब चीजें मामलात काफी आगे बढ़ जाते हैं तो फिर तो जरा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं है। फिर कोई करीबी लोग हों जो उनको कन्विंस करें और एक दफा उस साइकिल से निकालें, बाहर निकालें और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, तो वो बार बार ट्रैक से हटते हैं, बार बार उनको खींच के लाना पड़ता है। तो या तो एक थेरेपिस्ट ये काम करेगा या कोई करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर। तो जिस तरह मर्ज अगले स्टेज पे जाता है फिजिकल, तो उसका इलाज उतना ही मुश्किल, उतना ही पेचीदा, उतना ही महंगा और उतना ही कम इम्कानात कामयाबी के हो जाते हैं। अगर लास्ट स्टेज का कैंसर है तो कहते हैं कि भाई व्हाट कैन बी डन। तो इसी तरह अगर शुगर लेवल बहुत हाई हो जाए, किसी ने चेक ही नहीं करवाया, पता ही नहीं चला, तो और ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे सस्ना में। तो अगर कोई इस सूरत हाल में, जैसा कि आपने बताया, और उसको हफ्तों हो गए, तो उसके लिए वाकई मुश्किल है। तो उसके लिए फिर किसी करीबी फर्द को या किसी थेरेपिस्ट को ज़्यादा देर इंगेज होना पड़ेगा। तो डिप्रेशन का लेवल जब हाई, जब क्लिनिकल डिप्रेशन हम कहें या उससे पहले का स्टेज, तो दैट इज डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड एंड यू कैन नॉट इजीली टेल देम कि चलो भाई ड्राइंग बना लो या चलो भाई गार्डनिंग या वुड वर्क कर लो या चलो मूवी देखने चलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, दे वुड से नो। मगर उसके पीछे बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारा जमा हो जाता है मसाइल का अंबार, जिस तरह फाइलें टेबल पे सरकारी जमा हो जाती हैं, तो फिर उसको निपटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर उतना डीप डाउन जाना पड़ता है केस स्टडी में कि पीछे से क्या चल रहा है। तो उसको फिर आप प्रोफेशनली बहुत सारे सेशंस में ही सॉल्व कर सकते हैं कि जब तक पता ना चले कि उसकी जड़ क्या है, आप उसको इतनी आसानी से नहीं रिजॉल्व कर सकते। दैट्स ट्रू, दैट्स द फैक्ट। जी जी क्वेश्चन आया है। जी, इज इट रीडेबल? जी, हैज इट बीन लाइक यू? नॉट मच जी वकास अहमद, कुछ मेरा मिजाज ही ऐसा है शायद, इसीलिए जो है शुरू से उठान या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हुई उसमें ये मौजूद है। और किसी वक्त वो एक डिसएडवेंटेज भी लगता था, और हमारी सोसाइटी में मैंने जब कुछ मेंटोर से डिस्कशन किया, जब मैं ट्रेनिंग में आया तो मुझे एक दो लोगों ने मेंशन किया, फिर मैंने एक दो मेंटोर्स जो हैं, जावेद सादिक साहब हैं एक, मैं उनसे मशवरा लेता रहता हूँ, तो मैंने कहा भाई मुझे एक ये माइनस लगता है कि हमारे यहाँ लोग जोर जोर से बोलते हैं और बड़ा लोग सुनते हैं। मैं तो अगर किसी महफिल में भी बैठा हूँ, अगर 6 लोग हैं और मैं धीमे अंदाज से बात करता हूँ, तो लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। मगर अब बदल चुकी हैं चीज़ें, तो उन्होंने कहा यही आपका एसेट है, और आपका जो ये अंदाज है वो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी को शो करता है, और एक थेरेपिस्ट को ऐसे ही होना चाहिए। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। तो जो लोगों के पास दलाइल नहीं होते वो ऊंचा बोलते हैं, जिन लोगों के पास दलाइल नहीं होते वो गालियां देते हैं और दूसरे को खामोश कराने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अंदाज है उसको बनाया नहीं है मैंने, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं वो जानते हैं कि इतना ही धीमा था, पहले शायद कुछ ज़्यादा ही धीमा था। तो ये जब आपके अंदर कामनेस आती है तो आप देख लें कि ये इन पौधों का कमाल है मेरे दोस्तों का। और इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं साथ ही साथ, थोड़ा हॉर्टिकल्चरल थेरेपी का कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊं कि
एक तो थियरी इसमें ये है, इसमें बाकायदा अमेरिकन हॉर्टिकल्चरल थेरेपी एसोसिएशन है और उसकी मेंबरशिप और उसके सारे लवाजमात हैं। अभी अक्टूबर में इनकी कॉन्फ्रेंस होनी थी अमेरिका में, और कुछ इरादा भी था लेकिन अभी चंद दिन पहले ईमेल आई। खैर, वो हैरत की बात भी है और शायद कुछ लोग परेशान भी हो जाएं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में वर्कशॉप होनी थी और उनका ईमेल आया अभी चंद दिन पहले कि अब ये अक्टूबर 21 में होगी, यानी अभी तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने हैं और अभी से उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। तो हमें रियलिटी के साथ रहना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, लोग मुझे कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने कहा प्लीज डोंट कैटेगराइज मी एज मोटिवेशनल स्पीकर, वो तो एक चूरन है कि भाई सब अच्छा सब अच्छा, तुम चीते हो, तुम कर लोगे, सब हो जाएगा बेहतरीन, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, अभी जोर जोर से हंसो, चलें सब लोग हाथ मिलाएं, एंड एवरीवन फील्स सो गुड, दैट्स फॉर श्योर, दे कम आउट ऑफ द सेशन सो हैप्पी एंड दे से वाओ जबरदस्त। लेकिन 24 से 48 घंटे बाद वो वही होते हैं जो होते थे, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता। उसके लिए यू नीड टू डिग डीप कि अगर आप ऊपर से लेपा पोती कर दें तो उसका कोई फायदा नहीं है, अंदर से आपको सफाई करनी है। तो जब हम डीप डाउन बात करते हैं, सच बात करते हैं, तो बाज लोग कहते हैं ओ आप तो मजीद डिप्रेस कर रहे हैं। तो इलाज के लिए इंजेक्शन की तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है और कड़वी गोलियां भी पीनी होती हैं, तो ये चीजें आती हैं उसमें। तो इसकी जब बात कर रहे थे हम, प्लांट्स का एक थियरी है बायोफिलिया, जो कि पहले एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने 1960s में पेश की थी लेकिन उसकी इतनी पजीराई नहीं हुई और तो वो कहीं साइड पे रह गई। फिर मिड 1980s में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जो है उसने ये थियरी दोबारा जोर शोर से पेश की और उसको बड़ी पजीराई मिली, और उसी की बेस पे हॉर्टिकल्चरल थेरेपी जो है वो चलती है। बायोफिलिया कहता है कि इंसान के जीन्स में नेचर से एफिनिटी है, नेचर से अफिलिएशन है, ये कुदरत ने बनाया हुआ है। वी फील अफिनिटी एंड कनेक्शन विद अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जब हम उनके करीब रहते हैं तो उससे हमें तमानियत महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, वी आर एट ईज, और हमारे लिए बहुत सारे फिजिकल फायदे भी होते हैं। और जिस तरह ग्रीनरी को सब जानते हैं, ग्रीनरी को देखने से तरावट, खुशी, राहत, रिलैक्सेशन, सूदिंग होता है वो सारा, और आपके आसपास पौधे और फूल हों तो इससे आपके मिजाज पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। फिजिकली भी ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ऐसे चीज़ें रिलीज करते हैं जो आलूदगी होती है फिजा में, जो मुख्तलिफ किस्म के नुकसानदेह अज्जा होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सही उससे आपको फिजिकली भी फायदा होता है। और उसका एक बड़ा जो है सबूत ये है कि इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड 99% ऑफ टाइम वी हैव स्पेंट विद नेचर, हम पौधों दरख्तों के करीब ही रहे हैं। ये तो अब पिछले कुछ अरसे में जो है हम डरबों में बंद हो गए हैं एयर कंडीशन के अंदर, तो हम जितना नेचर से दूर होते जाते हैं उतना हमारी इमोशनल परेशानियां भी बढ़ रही हैं और हमें फिजिकल एलिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये अस्सलाम इस बेस पे काम वालेकुम करते हैं हॉर्टिकल्चर थेरेपी। सर, जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। सर, आप कोई सवाल रखना चाहेंगे? सर, कैसे हैं जुनेद? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है फारूक, आप खैरियत से हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सेशन जा रहा था, तो काफी अच्छी बातें जो है ना वो आप कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने कहा वो पूछूं। फारूक ये बताएं मुझे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल और वो जो है ना बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं जी, और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, और इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें, यानी हम कहते हैं बाय, मैं किस तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनको बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है, जो खानदान में यानी खानदानी तौर पे गुस्सा चला आ रहा है, ठीक है, तो जी बेसिकली अगर आपकी जीन में ही गुस्सा है, ठीक है ना, कि आपके बाप दादा चचा ताया सब, ठीक है ना, भाई कजन सब में ही गुस्सा है, तो उस कंडीशन में फिर इंसान को क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अपनी थेरेपी कर सकते देखें, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं एक चीज कि
एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, या हम थोड़ा सोशियोलॉजी में भी जाएंगे, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि वो जो हम कहते हैं इट्स इन द जीन्स, इट रन्स इन द फैमिली, लाइक फादर लाइक सन, तो भाई ये तो गुस्से वाला ही है, शुरू से ही गुस्से वाला है, बिल्कुल अपने अब्बा पे दादा पे गया है। बात ये होती है जुनेद भाई कि गुस्सा अमूमन जीन्स में नहीं होता, इट डजंट रन इन द फैमिली लाइक दिस। व्हाट हैपेंस कि बच्चा जब पैदा होता है ब्लैंक स्लेट होती है, और पांच सेंसेस अल्लाह ने हमें दिए हैं, उन पांच सेंसेस से जब बच्चा रिसीव करता है सिग्नल्स, तो वो डेटा जमा होना शुरू हो जाता है इस सिस्टम में, जिस तरह कंप्यूटर से अगर हम उसको मुताबिक कर दें, उसमें वो डेटा जमा होता है और उस डेटा की बेस पे वो एक्ट करता है, उस नॉलेज की बेस पे। हम कहते हैं बेटा बोलो पापा पापा, तो वो हमारे होंठों की जुम्बेश से समझता है और कोशिश करता है कि वही आवाज़ निकाले। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड। वो कोई डिब्बा या फोन मुंह में ले रहा है तो हम कहते हैं नो नो डोंट, उसको तो जबान नहीं आती मगर वो हमारे जेस्टर से समझता है आहिस्ता आहिस्ता, हम कहते हैं ये अच्छा है ये खाओ बिस्किट खाओ। तो जब बच्चा देखता है, मिसाल के तौर पर अगर हम सिनेरियो देखें कि अब्बा बहुत गुस्से वाले हैं, एंड अब्बा गेट्स थिंग्स डन विद हिज फ्यूरी विद हिज एंगर, तो जब अब्बा शाम को घर आने वाले हैं तो यूं समझ लें कि ऐसे लगता है कि अब कर्फ्यू लगने वाला है, और लोग बात कर रहे होते हैं बच्चा सुन रहा है, अब्बा आ जाएंगे वो ये कहेंगे ये कर लो ये हटा लो ये रख लो, वो आएंगे वो गुस्सा करेंगे, एंड देन ही कम्स एंड यू नो बाअदब बामुलायजा। तो बच्चा देखता है कि यार ये कौन सा मैजिक है, फिर वो गुस्सा अगर करते हैं बिलफर्ज जो हमसे जो क्रिएट करते हैं कि ये खाने में नमक कैसा है, ये लाओ प्लेट फेंक दी अगर एक्सट्रीम केस में, या ठीक है और जल्दी से उनके हुक्म की तामील है। द चाइल्ड इंटरप्रेट्स दिस सिनेरियो इन द वे कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है, अगर मैं गुस्सा करूँ मैं चीखूंगा पीपल विल डू व्हाट आई वांट, दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट थिंग्स डन। तो बच्चा चीखना रोना चिल्लाना गुस्सा करना चीजें पटकना वो गौर नहीं करते हमारी सोसाइटी में लोग, वो पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स या स्क्रीन से पिक कर रहा होता। तो जब वो देखता है कि चीख, मिसाल के तौर पे रोने से तवज्जो, अगर किसी बच्चे को तवज्जो नहीं दी जाती घर में, फिर जब वो चीखता है तो उस पर तवज्जो दी जाती है, वो रोता है तो तवज्जो दी जाती है, या कोई चीज़ तोड़ देता है, अम्मी फ़ोन पे मसरूफ़ हैं, अम्मी फेसबुक पे मसरूफ़ हैं, अम्मी 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 खाना अम्मी खाना अम्मी तो मसरूफ़ हैं, तो फिर जब वो फेंकता है कुछ तो या तो दादी या कोई और कहेगा कि भाई इसको पहले दे दो ना, ये जान खा रहा है ये तंग कर रहा है ये, इसको पहले दे शोर मचा रहा है, तो वो कहते अच्छा अच्छा उसको अटेंड कर लिया, बच्चे ने कहा दैट्स गुड दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो अगर आप बच्चा प्यार से जो पहली दफा कहता है और आप बाकी चीजों को छोड़ के, जो कि माँ बाप और बाकी घर वालों का फर्ज होता है असल में, अगर आप उसको अटेंड कर लें तो बच्चा बिगड़ता नहीं है बल्कि बच्चा समझता है। तो बच्चा गुस्सा उसको करना सीखता है और ऐसे लगता है कि बचपन से उसके जीन्स में है, जब वो देखता है कि गुस्सा इफेक्टिव है। कौन सी तरकीब कामयाब होती है, जब लोग कहते हैं कि रिश्वत से काम चलेगा सरकारी ऑफिस में, तो वो डायरेक्टली बात ही यही करते हैं कि भाई आप हमारा ख्याल रखें हम आपका ख्याल रखें, अगर उसको होगा कि रिश्वत से काम नहीं चलेगा तो वो रिश्वत की कभी बात ही नहीं करेगा। तो ये जो गुस्सा जो हम कहते हैं कि इन इन द जीन्स और इन द फैमिली, तो उसको कंट्रोल उसी वक्त करना चाहिए जब बच्चा छोटा होता है, उसकी ट्रेनिंग उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन वाला पीरियड चल रहा होता है। आई होप के बात कुछ क्लियर हुई है। जी जुनेद थैंक यू जज़ाकअल्लाह। फर्दर क्वेश्चन हो या आपको कुछ लग रहा हो तो आप बताइए। नहीं बस ये एक छोटी सी क्यूरी थी, अक्सर मेरे दिमाग में आती है। तो बात ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात करी कि अल्लाह ताला ने फिर सबको जो है वो एक जैसा बनाकर भेजा है, ये तो हालात और वाकयात होते हैं वो चीजों को इस तरह से कर देते हैं। तो एक खातून एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और उनको कहा कि भाई मैं चाह रही हूँ कि अपने बच्चे की बिल्कुल साइकोलॉजिकल गाइडलाइन के साथ तरबियत करूँ ताकि वो स्टेबल पर्सनैलिटी बने अच्छा इंसान बने, तो आप मुझे बताइए कि मैं उसकी ये इस तरह की ट्रेनिंग किस एज से शुरू करूं। तो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ तवक्कुफ किया 5 सेकंड का और कहा मोहतरमा आपके बच्चे की उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा उसकी उम्र है अभी तो 8 महीने का है वो,
साइकोलॉजिस्ट ने कहा, वो खातून आप कम से कम 8 महीने लेट हो गई हैं। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है और वो सारी सेंसेस यूज करता है, वो डेटा अंदर जा रहा है और जो डेटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वही काम करता है। तो बल्कि बात तो ये है, जो कि रिसर्च बहुत सारी हो चुकी है, नेशनल ज्योग्राफिक पे भी काफी अर्सा पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बच्चे को जब माँ की आवाज सुनाई देती है पैदाइश के बाद, जब वो रोता है तो उसको सूदिंग फील होती है, और वो चुप क्यों हो जाता है, वो माँ को कैसे पहचानता है, वो माँ की आवाज सुन रहा होता है प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में और उसके असरात होते हैं। इसी तरह माँ जो कुछ सुनती है, अभी कल ही मैंने एक छोटा सा कुछ डॉक्यूमेंट्री, मिनी डॉक्यूमेंट्री देखी कि मोबाइल फोन के सिग्नल्स के कितने बुरे असरात होते हैं हम सब पे और खासतौर पे बच्चों पे, और उससे ज्यादा जब प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन मोबाइल फोन ज्यादा यूज करती हैं तो जो एम्ब्रियो होता है इस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जो जहनी तौर पे पेचीदगियां होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जो बच्चे अब ज्यादा पैदा हो रहे हैं, उसकी एक वजह ये है प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल फोन यूज करना। तो ट्रेनिंग पहले से शुरू हो जाती है और उसके असरात होते हैं। आपने सुना होगा कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान बाकायदगी से तिलावत की जाए और इस तरह की चीजें की जाएं, अस्कार किए जाएं, बच्चे पे उसके असरात होते हैं। जब बच्चा सुनेगा पैदा होने के कुछ अर्से बाद तो उसको वो फेमिलियर लगेगा, उसमें उसको सुकून महसूस होगा, इसलिए कि उसके अंदर डेटा वो ही गया है पैदाइश से पहले, तो वो उससे फेमिलियरिटी फील करेगा। इसी तरह एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ी ऑथेंटिक सोर्स थी, बट स्टिल आई एम जस्ट कोटिंग इट व्हाट आई सॉ, डिस्कवरी चैनल पे बहुत सालों पहले मैंने देखा था कि एक खातून पियानिस्ट थी, पियानो बजाती थी और ऐसी धुन थी जो उन्होंने खुद बनाई थी, और वो प्रेगनेंसी के दौरान वो रोज बजाती थी, उनका ख्याल था कि सूदिंग है तो अच्छा असर पड़ेगा। फिर जब इनका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने पियानो सीखा, इसके बाद उन्होंने कभी वो धुन नहीं बजाई ना वो कहीं थी। तो उनका जो 6-7 साल का बेटा था, एक दफा उसने वो धुन बजाई और वो हैरान हो गई, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने उसको बहुत पूछा, इसने कहा पता नहीं मैंने तो ऐसे ही कोशिश की और बजा दी। फिर उन्होंने साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और कहाँ कहाँ के चक्कर लगाए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि बच्चा सुन रहा होता है और वो उसके दिमाग का हिस्सा बनता है और उसका असर होता है। तो फिर पैदा होने के बाद तो हर लम्हा कीमती है, और वैसे भी उमेर तो जानते हैं कि 7 साल की उम्र में काफी सारा स्क्रिप्ट पर्सनैलिटी का डिसाइड हो जाता है। तो फर्स्ट 7 ईयर्स आर सो क्रूशल कि उसकी जितनी अहमियत उजागर की जाए वो कम है। तो इसको अगर हम लिंक करें कि अगर पेरेंट्स जो हैं बचपन में ही बच्चों के साथ एक्टिविटीज इस तरह की करें, रीडिंग, गार्डनिंग, आर्ट्स या मजहबी चीजें, छोटी छोटी सिंपल नॉलेज की, तो वो उस तरफ रागिब होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ए लेवल्स में जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या काउंसलिंग के लिए जो लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये रीडिंग ही नहीं करते, बिल्कुल रीडिंग, मैंने कहा भाई सोशियोलॉजी से ऐसा सब्जेक्ट आप बहुत ज्यादा रीडिंग के बगैर नहीं कर सकते, तो भाई ये तो बुक्स ही नहीं पढ़ते। तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ आप बुक्स पढ़ते हैं, और वो अक्सर शर्मिंदा हो जाते हैं कि भाई हम तो नहीं पढ़ते। तो जॉन हॉल्ट जो है, उमेर आपने तो पढ़ा होगा हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ चिल्ड्रन लर्न। हॉल्ट ने 10 किताबें लिखी हैं बच्चों की लर्निंग पे, और उसमें वो कहता है कि आप रीडिंग करें बच्चों के सामने और बच्चों के इंटरेस्ट की बस किताबें सामने रख दें, बच्चों को बिल्कुल ना कहें कि पढ़ो, वो पढ़ेंगे, वो पढ़ना भी सीख लेंगे और वो रीडिंग का शौक भी डेवलप कर लेंगे। तो फोर्स से चीज नहीं होती, पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं, पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं, आप जो करेंगे वो करेगा, आप कहेंगे ये करो तो शायद ना करें, लेकिन आप खुद जो कर रहे होंगे दे विल ट्राई एंड कॉपी। तो वो मंकी सी मंकी डू, बच्चा इमिटेट करता है। तो जितनी हेल्दी एक्टिविटीज, जितना धीमा मिजाज, जितना सुलझी हुई लैंग्वेज मामला को सुलझाने के लिए करेंगे, बच्चे की पर्सनैलिटी स्टेबल होगी, उसको एंग्जाइटी कम होगी, उसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, और इस तरह के जो आजकल एक्सट्रीम सिचुएशन है
उसमें शायद उसको थेरेपी की जरूरत ना पड़े या उसको कन्विंस या समझाने की जरूरत ना पड़े कि आप हेल्थी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, लेकिन चूंकि उनकी आदत होगी पैसिव एंटरटेनमेंट की, स्क्रीन की, तो वो खुद से कुछ करने में सुस्ती महसूस करेंगे. और सॉरी टू यूज दिस टू कोट मेनी टीनेजर्स एंड पीपल इन 20s के वो कहेंगे ओ क्या ख्वारी है यार, धूप में जाके कौन क्रिकेट फुटबॉल खेलेगा, मैं तो यहाँ स्क्रीन पे खेलूंगा 3 घंटे बाद £1 मिलियन की ऑफर हो जाएगी, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है आपका. वहीं पे आप सेटिस्फाई हो गए और रियल लाइफ में आपने कुछ नहीं किया. वो एक्सरसाइज वर्कआउट की वीडियोस देख लेंगे और सोचेंगे हमारा वर्कआउट हो गया. जी बिल्कुल मुझे ये बताए फारूक के जैसे अब आप कह रहे हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसकी ट्रेनिंग का और जो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सब प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है वेरी फर्स्ट डे से. लेकिन अगर एक बच्चा 6 साल का 7 साल का या 8 साल का हो गया ठीक है और ये सारी चीजें नहीं हो चुकी, नहीं हो सकती हैं जो होनी चाहिए थी, लेकिन अब उनके पेरेंट्स को लगता है कि यार हमने गलत किया और अब वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जी एक तो ये कि अमूमन लोग हमारे यहाँ नहीं कहते जो उसके मैंने कहा कि सब अच्छा सब अच्छा सब कुछ हो सकता है आप कर सकते हैं, तो देखें जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, उसमें कुछ रिवर्सिबल है पूरा रिवर्सिबल नहीं है. या टॉप साइकोलॉजिस्ट से पूछें, आम प्रोफेशनल तो कहेंगे भाई कौन कहता है, हमारे पास आए हम ठीक कर देंगे. जिस तरह मेरे करीबी जानने वाले हैं वो आयल्स पढ़ाते हैं, तो किसी ने कहा कि मैंने 3 हफ्ते बाद की बुकिंग करवा ली और मुझे आप क्लासेस दे दें, तो उन्होंने उसका असेसमेंट लिया तो बहुत वीक थे, कहा आपको तो ये बैंड चाहिए और अभी आपकी जो पोजीशन है आपको तो कम से कम 3 महीने चाहिए, आपकी तो इंग्लिश बहुत वीक है. तो देखें मैं आपको सही बता रहा हूँ आप ऐसे ऐसे करें, उनका अच्छा ठीक है आई लेट यू नो. फिर वो दूसरे टीचर के पास गए और उस टीचर ने कहा कौन ये कह रहा है आपको डरा रहा है, कुछ नहीं 3 हफ्ते तो क्या मैं आपको 3 दिन में करा दूँ, निकालिए मेरी फीस और फिर जो कुछ भी हो. तो रिवर्सिबल कुछ है कम्प्लीटली नहीं होगा अगर 6-7 साल की उम्र हो गई है. अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं 15, 18, 20 साल की उम्र में, तो भाई इस बच्चे का कुछ कीजिए, तो 18 साल में जो कुछ गड़बड़ हुई है उसको ठीक होने में कम से कम 18 महीने तो चाहिए. और लोग कहते हैं कि अच्छा भाई अगर हम काउंसलिंग या थेरेपी के लिए जाएंगे तो कितने 2-3 सेशन में ठीक हो जाएगा मामला, उनको कहते हैं भाई माजरत है आप कहीं और चले जाएं, तो मिसपरसेप्शन बहुत सारे हैं. तो उस सूरत में बहुत मुश्किल है और बहुत लंबा प्रोसेस है, मुमकिन ज़रूर है, काफ़ी हद तक 100% नहीं, हो भी सकता है मगर गारंटी नहीं है. थैंक यू सर, थैंक यू मैर एंड थैंक यू फारूक, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. अच्छा सर मेरे जहन में एक सवाल था जो अब से तकरीबन 15-20 मिनट पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी उससे कनेक्टेड था. वो सवाल ये था कि जो आपने कहा कि जैसे जैसे एक मेडिकल इलनेस है, बायोलॉजिकल इशू है, तो जैसे कैंसर की लास्ट स्टेज और डॉक्टर्स ने कहा बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्या काउंसलिंग में या थेरेपी में भी कोई ऐसी स्टेज आती है कि जब थेरेपिस्ट कहता है या बड़े से बड़ा थेरेपिस्ट कहता है कि बस नाउ इज द एंड, अब इस बंदे के साथ कोई मजीद काउंसलिंग या थेरेपी वर्कआउट नहीं करनी, इज इट डेड केस या हमें आखिरी वक्त तक ट्राई करना है? इसमें कोशिश तो जारी रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम मुख्तसरन अगर बात करें तो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जिसका बायोलॉजिकल बेस है. सही. जिसका बायोलॉजिकल और इमोशनल दोनों है या सिर्फ बायोलॉजिकल है. ठीक. तो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर स्किज़ोफ्रेनिया का कोई है शिकार बंदा तो उसको मेडिकेशन इस्तेमाल करनी जरूरी है, काउंसलिंग. एंड व्हाट इज दैट? उसको मेडिसिन इस्तेमाल करनी जरूरी होगी. तो साइकियाट्रिस्ट जी, ये जो बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, जी जी स्किज़ोफ्रेनिया, इसको अमूमन उर्दू में बहुत सारे लोग लिखते हैं शाइज़ोफ्रेनिया या उस नाम से जानते हैं, मगर चूंकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन स्किज़ोफ्रेनिया है. सही. तो इस तरह बाइपोलर डिसऑर्डर अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर, या क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है तो कुछ वक्त के लिए फिर मेडिकेशन इस्तेमाल करना जरूरी होती है.
जिसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, उस पे बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, डिपेंडेंसी होती है। लेकिन अगर इस तरह की स्टेज आ जाए तो पहले मेडिसिन से सहारा लेते हैं और उसके साथ साथ थेरेपी चलती है। तो गिव अप तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, मगर डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि भाई जिस तरह कैंसर का अच्छा खासा स्टेज हो और अच्छी खासी एज भी हो, तो लोग कहते हैं कि हम केमोथेरेपी करवा लें, तो बाज़ों का डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि भाई इनकी जो एज है और जो हेल्थ है और जो स्टेज है आप ना करवाएं अगर अच्छा डॉक्टर होगा, कि उनकी कंडीशन और तकलीफ देह हो जाएगी, उनको जीने दें जितना वो जी रहे हैं उसी तरह से मुझे तो फीस मिलेगी। तो ये फिर उस वक्त उस एक्सपर्ट का काम होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वाला हो या चाहे वो गाड़ी का मैकेनिक हो या डॉक्टर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, कि अब इस पर्टिकुलर केस में क्या सिचुएशन है, क्या पॉसिबिलिटी है, सामने वाला क्या चाह रहा है, तो उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है। बट वी नेवर गिव अप ऑफ कोर्स, वी मस्ट कीप ट्राइंग। और साथ साथ में जो अच्छे एक्सपर्ट्स, अच्छे डॉक्टर, अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो, जो है खालिक की तरफ रजू करना जो है वो बहुत बड़ी थेरेपी है। तो जब आप कहते हैं कि देयर समवन हु हैज ऑल द पावर एंड हु कैन हेल्प मी आउट, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है कि आप जब डायरेक्ट बात करते हैं अपने खुदा से, तो आपका अगर बिलीफ है तो आपको उससे जो सुकून और जो रिलीफ मिलेगा वो किसी मेडिसिन या किसी थेरेपी से नहीं मिल सकता। सही। अब वकास का सवाल था, ही इज आस्किंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्री जो आपने बताया डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पे, अगर आप नाम। नहीं, मैंने आपको कहा मैंने कई साल पहले देखी थी और नाम याद नहीं है, स्टिल आई विल ट्राई एंड लुक फॉर इट। अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर आपके थ्रू कन्वे कर दूंगा, या आप रब्ता कर लें तो मैं आपको I'll try and find out। तो मैंने 4-5 साल पहले देखी थी और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका लिंक वगैरह कुछ सेव नहीं किया था। सही। वकास का एक और सवाल है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जी हाँ, तो अब इसमें अमूमन इस तरह की चीज़ों में, बाइपोलर में और डिसोसिएटिव में, ये बड़ी एक तो बड़ा हाई लेवल है, उसको सोशल साइंसेस बहुत सब्जेक्टिव हैं, तो इसको जो है इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये इसकी डायग्नोसिस में बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि चूंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जब कोर्सेज कराए जाते हैं साइकोलॉजी के, साइकियाट्री के, तो इस पर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है और उनके सिलेबस का इतना सारा हिस्सा उस पर होता है कि उनके जहनों में भी ये चीज़ होती है। तो दुनिया में जितनी ये डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, उतना ही अमेरिका में किया जाता है। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव है कि ये ऐसा है भी या नहीं, और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिसकी अभी हम तफसील में नहीं जा सकते। अगर मल्टीपल पर्सनैलिटी है तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है कि अगर अभी मैं फारूक हूँ और फिर दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है, फर्रुख आ जाता है जो बहुत चुलबुला और बहुत तेज़ बोलने वाला और बहुत अनरिफाइंड है, तो फिर क्या मुझे पता होता है कि वो कौन है, ये कौन है, और वो अपनी उसी घर में, उसी कपड़ों में, उसी वार्डरोब में, उसी रिश्तेदारों के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इस पर बड़े क्वेश्चन मार्क और डिबेट हैं, तो उस पर अभी हम नहीं जा सकते ऑफकोर्स। तो डायरेक्टली मेरे क्लाइंट्स में से आई हैवंट कम अक्रॉस एनीवन हैविंग दिस डिसऑर्डर। अच्छा सर, मैं चाहूँगा बस हम लोग एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन कर लें। अच्छा, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे फेस हुआ, तो अगर ये प्रॉब्लम शॉर्ट ऑफ टाइम, हम वो जो शायद हम कल तस्करा कर रहे थे पॉसिबिलिटी का, वो शायद नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके लिए वी नीड गुड 5-7 मिनट्स। ओके, तो अगर अगर मैं एक सवाल प्लेस कर दूं, सिर्फ लास्ट सवाल, जरूर जरूर, वो सवाल ये है कि अगेन ये मसरूफियत के खाली होने की वजह से मुझे फेस हुआ कि किसी से कोई कुछ बातचीत हो गई थी, कुछ तल्ख कलामी मेरी तरफ से नहीं उनकी तरफ से, यूजुअली वही मसरूफियत का दौर होता है तो मैं इग्नोर कर देता। अच्छा, उन्होंने 4-5 लोगों के सामने मुझ पर कोई ऐसी बात कही, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो जो एक्चुअली सही नहीं था, और मैं वो बात भूल गया। दैट द केस इज इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में हुआ, मिड ऑफ फेब्रुअरी, जब के लॉकडाउन नहीं था, तो हो गई बात
मैंने जवाब भी नहीं दिया उनको, आई आई डिड नो रिस्पॉन्स, ठीक और है, गाड़ी आगे दैट्स बढ़ने नॉट अ लग गई, इज रिस्पॉन्स, यूजुअली नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। द बेस्ट। अच्छा मसला ये हुआ कि जब ये लॉकडाउन आया और नाउ मेरी एक्टिविटीज कुछ कम हुई है, तो अब मैं फिर मसरूफियत की तरफ आ गया, लेकिन जो बीच में थोड़ा ब्रेक आया, एंड एज यू नो कि जब अब्बू का इंतकाल भी अभी मेरा रिसेंटली हुआ, तो उस दौरान फिर सारी एक्टिविटीज भी नहीं थी, तो इस दौरान वो चीज़ बार बार रिपीट हुई, और मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम भी कर रहा था कि वाई आई एम गिविंग दिस सो मच टाइम, या मैं इस बात को इतना एयर टाइम दे क्यों रहा हूँ, या तो मैं जाके बात कर लूँ उनसे, या मैं छोड़ दूँ, मैं मुझे नहीं करनी उनसे बात, लेकिन हो सकता है मैं इन शॉर्ट के समझें कि इस टोटल लॉकडाउन पीरियड में कोई 20 घंटे रोजाना अगर आधा एक घंटा भी मैं लगाऊं तो वो मेरा वेस्ट हुआ होगा। अच्छा मैं वो ख्याल निकालता वो फिर आ जाता, निकालता फिर आ जाता, तो हाउ कैन आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम। का तो एक तो ये लॉजिकल है, आप तो माशाल्लाह खैर खुद ही सारी चीजों में हैं, तो आपको पता है कि आपने कुछ जवाब नहीं दिया, दैट वाज द बेस्ट रिप्लाई, और वो साइड पे चला गया, फिर मसरूफ रहते हैं तो वो नहीं आता। मगर इसकी एक चीज ये है जो कि अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ जो काउंसलिंग होते हैं या किसी सेशन में भी, आप ये समझें तो लोग आपके साथ बुरा करते हैं या आपको तंग करते हैं, बहुत सारा खवातीन के मामला में होता है या टीनेजर्स में होता है कि भाई वो मुझे तंग करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, मेरी दोस्ती उससे खराब करा दी, झगड़ा करा दिया, ये सो वाई दे आर आफ्टर मी, और वो बड़े फ्यूरियस होते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं। तो जिस तरह आपको ख्याल आ रहा है कि उन्होंने ऐसे किया, उसकी एक तरकीब तो ये है जो भी हम मुख्तसरन बयान कर सकते हैं कि समवन इज टॉक्सिक, सही तो आप टॉक्सिन से तो एनकाउंटर नहीं करेंगे, जहां धुआं बहुत ज्यादा अगर कोई गाड़ी या जनरेटर दे रहा होगा तो हम उससे दूर हट जाते हैं। सही तो जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर रहें और उनके ख्यालात से भी दूर रहें, उसका वही इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली बात है कि अगर तो हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे और परेशान होंगे और कुढ़ेंगे तो उनका एजेंडा कामयाब होगा, वो चाहते यही है कि हम परेशान, तो हम जो हमारा बदख्वाह है उसके एजेंडे को कामयाब करते हैं और उसको खुश करते हैं अगर हम उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर हम अपने आप को कन्विंस करें कि इफ आई डोंट थिंक अबाउट हिम आई विल हेल्प देम फेल इन देयर एजेंडा, तो वी डोंट कीप डर्ट। अगर आपके सामने गंदगी कीचड़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है जो कि बदबू कर रहा है, तो आप उसको उठा के अपने बैग में, अपने थैले में, अपने जेब में तो नहीं रखेंगे, आप उस गंदगी को उठा के दूर फेंकेंगे या आप खुद उससे दूर चले जाएंगे। अगर आप उसके करीब रहेंगे या आप अपने उसका हाथ में उठा के कहा देखो कितनी बदबू है इस कीचड़ में, तो दैट इज नॉट वेरी लॉजिकल। तो इस फॉर्मूले पे अमल करके अगर हम कहें कि भाई ये बंदा जो है अपनी जहनियत के हिसाब से टॉक्सिन है और एक तरह से अलाउ मी टू से कि वो एक गंद है, सो व्हाई नॉट थ्रो इट अवे, उससे दामन बचा लें, तो उस सोच के साथ हम आसानी से, निस्बतन आसानी से अपना अपना ख्याल रख के उनको ख्याल दिल से निकाल सकते हैं। सही। अच्छा सर मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक तो आप क्लोजिंग नोट कोई हमें किसी क्लोजिंग नोट के साथ छोड़ जाएं, और वो तमाम लोग जो काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो हाउ दे कैन कनेक्ट, आपका पेज है या नंबर अगर आप मेंशन करना चाहेंगे, या हाउ दे कैन, या ईमेल एड्रेस कोई भी चीज़। जी, वो जो है मेरा फेसबुक पे, मेरा अपने नाम से अकाउंट है, तो फेसबुक पे वो इसी नाम से फारूक पारेख के नाम से वो रابطہ कर सकते हैं, और देन दे कैन गेट मी माय व्हाट्सएप नंबर और माय ईमेल, तो वो काउंसलिंग चाहें या वो वैसे ही मशवरा चाहें या वो हॉर्टिकल्चरल थेरेपी या गार्डनिंग के हवाले से वो कोई मशवरा वैसे ही चाहें, तो आई कैन गाइड देम एनी टाइम, और खासतौर पर इन टाइम्स में। तो जो लास्ट मैसेज अगर हम ब्रीफली कहें तो यही है जो हमने बात की उसका जेस्ट, कि अपने आप को मसरूफ रखना, पॉजिटिव लोगों से कनेक्टेड रहना, अपनी रिलेशनशिप को चेरिश करना, अपने मकसद हयात को सामने रख के ये सोचना कि मेरी एक्टिविटीज़, मेरा जो दिन गुजर रहा है वो मुझे उस सिमत में कितना ले जा रहा है या कितना उससे दूर ले जा रहा है,
ऐसी सोचें या ऐसे लोगों के बारे में सोच जो हमारी वेलबींग के लिए अच्छा ना हो, फिजिकल और इमोशनल, उसको पसे पुश डाल के हम किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, जो गार्डनिंग, आर्ट, कुकिंग, कुछ भी हो सकती है। और यही बेहतर रास्ता है। आजकल जो मामला चल रहा है, और हो सकता है खुदा ना खास्ता वो लंबा चले, तो अगर तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, थिंग्स विल गेट वर्स ऑफ कोर्स। वी शुड इग्नोर व्हाट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड वी शुड गेट होल्ड ऑफ व्हाट इज इन आवर हैंड्स एंड गेट गोइंग। इसलिए कि टू बिगिन इज हाफ डन। आपने काम शुरू कर दिया तो समझ लें आपका आधा काम खत्म हो गया। बस मेरा ख्याल है यहीं पे इख्तिताम करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सर फारूक पारेख। सर का फेसबुक एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर इनसे कनेक्ट कीजिए सर। वैसे बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में आई होप के आपको बड़े ज़बरदस्त इनसाइट सर से मिलेंगे। वैसे ये सेशन भी रिकॉर्ड भी हो गया, तो जो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो पूरे सेशन को अगर रिपीट कर लें तो दे विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट। इसमें पेरेंटिंग भी आ गई, इसमें पर्सनल इश्यूज भी आ गए, इसमें लॉकडाउन को हमने कैसे मैनेज करना है वो भी आ गया, इसमें अगर हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा में, हमने उनको कैसे लेकर चलना है ये भी आ गया। तो सर मेरे ख्याल 4-5 मिनी वर्कशॉप जी जितना मटेरियल यहाँ जो है ना वो लोगों के सामने आ गया, एंड इंशाल्लाह पीपल विल कनेक्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बिल्कुल, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया हम आपका आपको फिर शुक्रिया। कभी अल्लाह रहमत देंगे। जजाक अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।